करनाल से सांसद संजय भाटिया ने आज करनाल के लघु सचिवालय के परिसर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विमीर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली 6 सड़कों की आधारशिला रखी। वहीं सांसद संजय भाटिया ने जिला भर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की मीटिंग की। सांसद संजय भाटिया ने राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आप रोज ही देखते हैं कहीं ना कहीं कोई विकास कार्य चल रहा है, और यहाँ तक कि जो पिछली सरकारों की घोषणाएं भी थी वो भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आने के बाद पूरी की। ये तो एक प्रक्रिया है, ये चलती ही रहनी चाहिए और ये चलती है। कितनी सड़कों का इसमें निर्माण किया जाएगा? इसमें अभी 6 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका इन्होंने ओपनिंग कराई है। तो हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, पब्लिक हेल्थ की है, काफ़ी कुछ। हालांकि कोरोना के कारण पिछले दिनों रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया पिछले साल में, लेकिन हम इस बात के लिए साधुवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को। उन्होंने पैसे की कमी कभी भी विकास कार्य को लेकर नहीं आने दिया। कुछ कार्य रुके पड़े उसके बारे में क्या? कुछ कार्य रुके हैं, वो भी जानकारी में आएंगे, वो भी हो जाएंगे। अगर आपके पास सूची है तो कृपया दे दीजिए उसको दोबारा। कितनी चौड़ाई रखी जाएगी सर सड़कों की? सड़कों की अलग अलग है, जो डायमेंशन हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ की गाइडलाइंस आती है 18 फुट की भी हैं, 20 फुट की भी हैं, जो डायमेंशन है उस गाइडलाइंस के अनुसार से क्या कहेंगे। राहुल गांधी आजकल जो है उत्तर प्रदेश से उनका मन भर गया, वहाँ की जनता को कहते हैं कि वो केरला उत्तर साउथ में जाकर के रिफ्रेशमेंट जो है क्या कहना चाहेंगे उनके बयान पे? मैं समझता हूँ कि ये उनकी छोटी सोच है। जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो राज करो इतने साल अपने देश पे राज करके, कांग्रेस ने भी उसी नीति को अपनाया। जो हमारे शहीद थे, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों को तो उन्होंने कभी महत्व दिया नहीं। सत्ता के नज़दीक रहने वाले चापलूस लोगों को हमेशा उन्होंने बढ़ाई दी और फूट डाल के राज करा उन्होंने इतने साल तक, लेकिन देश का कुछ भला नहीं कर पाए। आज उनको तकलीफ है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा किया है, इस बात की उनको तकलीफ है। आज वो भाई को भाई से अलग करके उत्तर दक्षिण का मुद्दा बनाकर इस तरह से बांटने में लगे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको इमेच्योर हम ही नहीं, उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि इमेच्योर है, और इस तरह की जो छोटी सोच है कांग्रेस की जो सोच है वो उनके माध्यम से लोगों के बीच में आ गई है। नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया गया, उसके बाद राजनीति हो रही है, राजनीति कर रहे हैं कि अपने नाम से नहीं। ये स्टेडियम बनाने वाली उस संस्था का या जो जिसमें सरकार का, उनकी अपनी भावना थी। नरेंद्र मोदी जी के नाम से आप देखो कि पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा है, ये उनका अपना है जिन्होंने ये बनाया। मोटेरा जो मेरे का स्टेडियम था उन्होंने वो नाम रखा, ये उनकी अपनी सोच है। इसके लिए हम तो स्वागत ही करेंगे, और मोदी जी तो दिलों में बसते हैं, हर आदमी के दिलों में बसते हैं।